हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फोटोशॉप की जो सेटिंग है रिसीट कैसे करते हैं। फोटोशॉप के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे रिसीट करना हम सीखते हैं इस वीडियो में। अभी मेरे साथ जो प्रॉब्लम है और कॉमन ये प्रॉब्लम सबके साथ आता है कि यहाँ पर मैंने इस फोटो को सेलेक्ट किया और एडिट मेनू पर आप पे स्टॉक दे दिया, फिर भी ये जो लाइनिंग है ना, ये बॉर्डर वाली, यहाँ से रिमूव नहीं हो रही। मैं यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ और इस मुंह टूल के ऊपर भी कुछ भी क्लिक करो, ज़्यादा क्लिक करें तो इस तरीके से ये हो जा रहा है। तो इसकी सेटिंग में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। बट हम अभी इस फोटोशॉप की जो सेटिंग है हमारी, पूरी तरीके से हम सही करेंगे, इसके बाद हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो या फोटोशॉप के बारे में, लैंग्वेज का हो, टूल्स का हो, टेक्स्ट का हो, या फिर और किसी वह प्रॉब्लम में हो कि जैसे कि एक्शन लोड नहीं हो रहा है, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम हो फोटोशॉप के बारे में, तो सेटिंग आपकी रिसीट करना पड़ेगा। तो रिसीट करने के लिए सबसे पहले इस फोटोशॉप को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। जैसे फोटोशॉप को यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया और रिफ्रेश करते हैं, फोटोशॉप जहाँ पर है हमें उस पर दो बार क्लिक करना है। माउस के लेफ्ट एरो से दो बार क्लिक करना है। जब हमने क्लिक किया उस टाइम पे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट हमको प्रेस करना है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इस तरीके से हमने दो बार प्रेस किया और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट मैंने यहाँ पर प्रेस किया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने जो डैशबोर्ड पे जो नज़र आ रहा है फोटोशॉप, वहाँ पर मैं अपने माउस से लेफ्ट दो बार क्लिक किया हूँ। उसके बाद मैंने उसी टाइम पर कीबोर्ड के ऊपर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस किया, तब ये ऑप्शन मेरे सामने शो हो रहा। यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, डिलीट द अडोबो फोटोशॉप सेटिंग फाइल। मैं यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। मैं ओके कर दिया तो हमारा जो फोटोशॉप है रिसीट हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा, अच्छी तरीके से वर्क करेगा काम। तो मतलब इसमें सेटिंग में थोड़ा बदलाव आ जाता है तो हमें वर्क करने दिक्कत आती है, तो इसकी सेटिंग हमको सही करना पड़ेगा। जैसे पहले था ये सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है आपके सामने इस तरीके से। ये सब कुछ लाइनिंग पहले आपको नजर नहीं आ रही थी, बट यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ विंडो में से आप इसे लेकर आ सकते हैं। और अभी मैं ये सब कुछ यहाँ से रिमूव हो गया था, फिर से यहाँ पर आ गया, फाइल मेनू पर आता हूँ, ओपन करता हूँ, और जो मैंने इमेज ओपन करके बताई थी उस इमेज को यहाँ पर मैं आपके सामने ओपन करके बता देता हूँ। ये इमेज को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, इस तरीके से ये इमेज यहाँ पर ओपन हो गई। ये सब कुछ यहाँ से लेयर हट चुके थे, बट ये हमने सेटिंग को रिसीट किया, ये सब कुछ लेयर आ गए। जो भी हमारे फोटोशॉप के अंदर सेटिंग में बिगाड़ आ गया था, वो सब कुछ यहाँ पर रिसीट करने से सब कुछ ओके हो गया। अब ये इमेज है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस ये से इस इमेज को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट होने के बाद एडिट मेनू पर आता हूँ, स्ट्रोक दे देता हूँ, और ये सब कुछ यहाँ से ओके हो जाता है। इस तरीके से आपको ये इमेज नज़र आ रही है कि यहाँ पर कुछ एरर नहीं आने वाला। आप पूरी तरीके से वर्क करो। अब फोटोशॉप में जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट यहाँ पर प्रेस करें एक साथ, और इसका सोल्यूशन आपको यही मिलने वाला है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, याद रख लीजिए ये शॉर्टकट की को, और जब भी प्रॉब्लम आए इसे आप यूज कर लीजिए। जो फोटोशॉप की रिसीट के बारे में जो हमने वीडियो बनाया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।